हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर से हमेशा की तरह मैं आप सभी के साथ एक रिक्वेस्टेड रेसिपी शेयर करने वाली हूं और साथ में मैं अपनी फैमिली का डिनर रूटीन शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत बार मॉर्निंग रूटीन शेयर हो चुके हैं तो बहुत से व्यूवर्स का यही सवाल होता है कि डिनर में आप क्या बनाते हैं, डिनर प्लान बताएं। और आज जो रेसिपी बनाऊंगी मैं बहुत ही हेल्दी होगी, बच्चों को खिलाना मुश्किल होता है लेकिन आज एक टिप है जिसके सहारे बच्चे भी उसे बहुत शौक से खाएंगे। आइए देखते हैं हमारा आज का ये रूटीन। अक्सर बहुत सारे व्यूवर्स का यही कहना होता है कि मैं फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन दिखाऊं। फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन भी दिखा चुकी हूँ मैं और अक्सर बताती हूँ, जैसे घर में सब्जियाँ आती हैं तो मैं पहले सारी सब्जियाँ या फल जो धुलने वाले होते हैं सब धुल करके ही रखती हूँ। पानी झड़ जाने के बाद फ्रिज में रखती हूँ। अब जैसे ऑरेंज है उसे तो नहीं धुलना है तो ऐसे ही रख दिया। बाकी कोई भी फूल फ्रूट्स आते हैं सब धुलना है। अब हरी मिर्ची है तो इसकी मैं इस तरीके से ऊपर की डंठल निकाल करके धुल के साफ रखती हूँ। अगर जैसे इन दिनों ग्रेप्स आ रहे हैं तो उन्हें धुल करके फिर पूरा ऐसे बंच से निकाल करके बाउल में रखूँगी मैं, तो इसे धुल लूँगी पहले मैं, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चों को खाना है उठाना और खाना शुरू, तो पहले अच्छे से उसको एक दो बार धुल करके और पूरा पानी उसका झड़ जाए उसके बाद बाउल में रख करके ढक करके फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे शाम को बच्चों को खाना है तो बस कटोरियों में दे दिया निकाल करके और धुले रखे रहते हैं। और जितनी भी सब्जियां आती हैं घर में मैं हमेशा धुलती हूँ। प्याज लहसुन अलग हटा देती हूँ थैले में से, और यहाँ तक कि आलू भी मैं धुल के रखती हूँ, क्योंकि अभी आलू पिछली बार आया था तो नहीं मंगवाया मैंने इस बार। और मेथी है तो मेथी के पत्ते तोड़ के रख दिए ड्राई, इन्हें मैं नहीं धुलती हूँ। जिस वक्त कुकिंग करती हूँ उस वक्त हरी सब्जी धुलती हूँ, जैसे पालक मेथी ऐसी चीज़ें। बाकी करेला टमाटर या कोई भी सब्जियाँ आती हैं, गोभी भिंडी, सब धुल करके ही रखती हूँ मैं। तो ये देखो हरी मिर्ची मैं इस तरीके से फ्रिज में रखती हूँ। अदरक भी धुल करके ही रखती हूँ इन बास्केट में। तो ये फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन में भी मैंने दिखाया है। आज सुबह मैंने कपड़े धुले हैं तो मशीन लगाई थी, ये बेडशीट धुली है। जो हर बार ज़्यादातर यही कोशिश होती है, मैं हफ्ते में एक बार मशीन लगाती हूँ। और इन सब के कपड़े यानी बच्चों के और हस्बैंड के कपड़े होते हैं, और एक बेडशीट हर हफ्ते एक रहती है दो दो कमरों में से किसी भी कमरे की। और टॉवल वगैरह हैं, डोर मैट हैं, नैपकिन्स हैं, ये सब तो एक्स्ट्रा में हो जाता है, और बच्चों के कपड़े रहते हैं। तो ये सुबह मशीन लगाई, सब कपड़े मैंने टांग दिए। हर बार वही हो जाता है, कैसे टांगती हूँ फिर वो वीडियोस बढ़ जाते हैं ना, लंबे हो जाते हैं, तो मतलब कपड़े मैंने इस तरीके से फैला दिए सुबह, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं घर में, मतलब समझ में नहीं आता दिन कैसे बीत जाता है। और आज एक अच्छी बात है कि शुभम ने मॉप से पोछा लगाया है, तो ये बात भी मैं शेयर करना चाहती थी। आज हेल्प करी है शुभम ने मेरी, और वो वीडियो मैंने नहीं बनाया, बच्चों को फिर मतलब अच्छा भी नहीं लगता, और फिर मतलब मैं बता रही हूँ, लेकिन शुभम ने मॉप से पोछा लगाया और मैंने ये कपड़े वगैरह धुल दिए। तो इस तरीके से काम मतलब होते रहते हैं घरों में, वही वाला हाल मेरे साथ भी है। और सारी सब्जियां जब मैंने फ्रिज में रखी तो मेथी बाहर निकाली है, क्योंकि आज मैंने मेथी मटर मलाई लंच में बनाना है, तो इसलिए यहाँ पर ये रखी है। घर के सुबह के सारे काम हो चुके हैं, शूटिंग में शाम को करने वाली हूँ इसलिए मैं कुकिंग रेसिपीज अभी नहीं करने वाली हूँ। मेथी मटर मलाई रेसिपी में पहले, और शूटिंग का काम मैंने शाम से ही शुरू किया। तो जैसे शाम दोपहर में सबने खाना वाना खाया, मैंने आराम की हमेशा की तरह, शाम में अपनी चाय ले ली, बच्चों को जो ग्रेप्स धुल के रखे थे वो दिए, और इस तरीके से शाम वाला हो गया। कपड़े जो मैंने धुले थे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, खैर कि बच्चे अपने जैसे मैं कपड़े उठा के ले आती हूँ ना बालकनी से, फिर उनके कमरे में रख देती हूँ बच्चों वाले कपड़े, वो लोग अपने बेड में अपने अपने कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। कई बार वीडियो वगैरह में देखा होगा कि मैं कर रही हूँ, अब बच्चों को नहीं अच्छा लगता मुझे कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो बच्चे क्या काम कर रहे हैं तो वो सब दिखाऊँ, इसलिए मैं नहीं शेयर करती हूँ। और मैं बेडशीट उठा के लाई हूँ अपने रूम में, अपने कपड़े जो मेरे थे दो वो उठा के लाई हूँ, ये सब मैं फोल्ड कर रही हूँ। और आज मैं बताऊंगी कि मैं सॉक्स वगैरह किस तरीके से फोल्ड करती हूँ जिससे कि सेट दो 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 एक साथ रहें। तो ये देखिए ऐसे सॉक्स की फोल्डिंग करो ना तो आप पूरा पेयर आपका एक साथ मिल जाता है। आप फैमिली में किसी का भी ऐसे सॉक्स पेयर करते हैं तो जहाँ पर भी रखेंगे तो इसी तरीके से एक साथ ही मिलेगा, वरना कई बार होता है एक एक ढूंढ रहे होते हैं।
और आज दोनों ही बच्चों ने अपने अपने कपड़े भी फोल्ड किए हैं, तो मैंने बालकनी से कपड़े उठा के उनके कमरे में रख दिया और दोनों ने अपने अपने कपड़े फोल्ड करके अलमारी में रख लिए हैं। तो शाम का मैं शुरू करने वाली थी, तो इसलिए मैंने बर्तन बर्तन भी सब धुल के रख दिए थे शाम को ही चाय वाय पीने के बाद। और आज लंच के बर्तन सब काफ़ी खूब इकट्ठे हो गए। वो जब तक को खाना ही हुआ था, लेकिन खाने के बाद थोड़ा थोड़ा नाश्ता वगैरह ये सब करते करते कितने बर्तन हो जाते हैं। और किचन क्लीनिंग मेरी दोनों ही टाइम होती है, सुबह भी और शाम में। और मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, आप मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्वस्थ रहना, और स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साफ़ सफाई। आप स्वच्छता बनाए रखें और स्वस्थ रहें, सच में। जहाँ पर गंदगी और ये सब होता है ना, गंदा माहौल, हमेशा देखोगे आप बीमारियों का एक होता है आमंत्रण। साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। पहली सफाई तो देखो अपनी रसोई से शुरू करनी है, अपने घर से शुरू करनी है, अपने आस पड़ोस शुरू करनी है, अपने जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ की करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। अब मैंने निकाली है उड़द की दाल, तो उड़द की दाल ये देखो मैं निकाल रही हूँ करीब 1 कटोरी अंदाज से, और इसमें ये गोली डाल के रखती हूँ मैं दवा, जिससे मेरी दालें कभी ख़राब नहीं होती, एक कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं रहता उसमें, घुन वुन कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से अब मैंने इसको धुल के साफ़ कर लिया है, और कुछ मिनट रुक जाएं उसके बाद आप दाल बनाएं। तो उड़द की दाल में मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और अब मैं डालूंगी 1 टमाटर कटा हुआ। पानी डालेंगे, जैसे 1 कटोरी उड़द की दाल है तो समझ लो 4 कटोरी करीब पानी लगेगा। एक्चुअली दालें वगैरह ना फैलती हैं, फिर वो गाढ़ी हो जाती हैं, तो इसलिए पहले से ही डाल लें। और तेल डाला है मैंने 1 चम्मच। तेल डालने से जैसे अब ये दाल पकेगी तो जो ऊपर उबाल आती है टमाटर हल्दी वगैरह की, तो जो लिड है कुकर की, इसमें दाग नहीं लगते हैं, मतलब पीला पीला सा दाग नहीं आएगा, आप देखना। और यहाँ दूध बॉईल हो चुका है, उसे मैंने ढक के रख दिया है, और जैसे ही कुकर में एक विसल आएगी ना तो मैं आँच धीमी कर दूंगी। और अब मैंने लिए हैं करेले। करेले का टॉप एंड टेल एकदम ज़रा ज़रा सा कट करेंगे, और ये 250 ग्राम करेले हैं, धुले हुए रखे थे सुबह के। तो अब मैं चिप्स कटर से इन्हें कट करूंगी। ये मेरी चिप्स कटर है, इससे ही मैं सूखा नारियल भी चिप्स की तरह काटती हूँ जब मैं नमकीन वगैरह बनाती हूँ, और इसी से मैं बादाम कटती हूँ तो इतने ही पतले पतले निकलते हैं जब मैं खीर वगैरह में डालने के लिए यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर अब मैंने आज करेले भी चिप्स कटर से काटे हैं। चिप्स कटर से इतना पतला पतला लच्छेदार, एकदम जैसे भुजिया बनानी है आपको उस तरह की भुजिया बनेगी, करेले एकदम फ्राई होंगे। और अच्छी बात कि जब आप इसे चिप्स की तरह काटते हैं तो जो बीजे होते हैं ना करेले के, वो अपने आप ऊपर आके साइड में निकलते चले जाते हैं, मतलब बड़े बड़े ये देखो बीज पूरे साइड हो चुके हैं और सिर्फ करेला है, ना हमने इसको छीला है, ना हमने इसका कुछ एक्स्ट्रा पार्ट निकाला है, सारा ये देखिए इस तरीके से चिप्स कटर करके मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं, सारे बीजे साइड होते जाते हैं, दिखते हैं वो उस बराबर चिप्स बनाते समय। चिप्स से बीज निकाल लिए, और थोड़ा सा नमक लगा करके करेले को रखना है हमें। मैं बिना प्याज के करेले बनाऊंगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होंगे, तो यहाँ पर नमक लगा करके कुछ मिनट के लिए हमें रखना है। तो बस पूरे करेले में नमक मिक्स कर लें और इसे साइड में रख लेंगे, इससे क्या होगा इसका कड़वापन निकल जाएगा, फिर हम इसे साफ कर लेंगे। तो यहाँ पर ये करेले इस तरीके से रहेंगे। देखिए अब करेले तो साइड में रख दिए हैं, और मैंने निकाला है ये गाजर, खीरा, टमाटर। तो गाजर धुली हुई रखी हुई थी, आपने देखा था सुबह मैंने धुल के रखा था, और खीरे को मैंने छिलका उतार लिया है, गाजर का छिलका उतार लिया है। खीरे को ऊपर और नीचे से पतला पतला निकाल देंगे, और टेस्ट भी कर लो पतली चिप काट करके कि कड़वा ना हो। और गाजर का भी ऊपर और नीचे का पतला पतला हिस्सा निकाल करके अब हमने इसको ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लेंगे हम तो एकदम लच्छे बन जाएंगे। और प्याज का यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो प्याज वगैरह भी इसमें बारीक काट करके डाल सकते हो, मूली भी डाल सकते हो, या कोई फ्रूट्स डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। अब वही है कि क्वांटिटी मुझे कम ही रखनी है, 4 लोग हैं, रात के खाने में बनाना है। तो गाजर और खीरे की ये बनाने वाली हूँ मैं कोशिंबीर। कोशिंबीर महाराष्ट्र में बोलते हैं
कुचुम्बर या फिर कोशिमबीर रायता। तो यहाँ पर अब मैंने एक टमाटर भी लिया है, चाहो तो इसमें थोड़े से ग्रेप्स भी डाल सकते हैं या पॉमीग्रेनेट डाल सकते हैं, थोड़ा सा एक कटोरी छोटी कटोरी अनार के दाने। तो मैंने एक बड़े बर्तन में लिया है बारीक कटा हुआ एक टमाटर और एक हरी मिर्ची को एकदम फाइन चॉप किया है। यहाँ पर दो खीरे कद्दूकस किए हुए हैं और ये गाजर है। ये सभी चीज़ें हम किसी भी बड़े बर्तन में डालेंगे, ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और फ्रूट्स भी आप इसी समय ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी नमक, नमक कम ही डालेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नमक यूज़ नहीं करनी चाहिए सैलड वगैरह में, कई बार ज़्यादा ना हो जाए। और ये एक छोटी कटोरी जितनी दही है वो दही डाल देंगे, तो पूरी दही का इस्तेमाल कर लूँगी मैं। एक चम्मच चीनी डाल दिया है और आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर और ज़रा सी बिल्कुल लाल मिर्ची, बिल्कुल ज़रा सी बस। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने से हल्का सा मीठीपन लगेगी दही में, नमक इसीलिए हल्का ही डालें, भुने जीरे से एकदम अच्छा सा टेस्ट आएगा। और सारी ये जो गाजर हैं खीरा है सब मिक्स कर लेना है। अगर आपने यहाँ पे अंगूर या अनार के दाने या फिर मूली कद्दूकस करके डाली होती या एकदम फाइन चॉप कटिंग अनियन डाली, तो इस तरीके से ये मिक्स सैलड हो जाती है। और इसको कोशिमबीर रायता कहते हैं महाराष्ट्र में। इसमें तड़का नहीं लगाते हैं, आप चाहो तो ऊपर से तड़का लगा सकते हो। और बस इस तरीके से मिक्स करके रख दिया है। अब ये मैं आटा लगा रही हूँ, तो आटा मैंने परात में निकाला है और ज़रा सा नमक डालती हूँ मैं आटे में और पानी डाल करके आटा गूंथना है। आटा मैं एकदम सॉफ्ट लगाऊंगी, तो थोड़ी देर खूब अच्छे से मैं परात में मलती हूँ, इसीलिए मैं परात में हमेशा आटा लगाती हूँ। और जब पूरा आटा अच्छे से गूंथ जाता है तो उसको ऐसे कुछ मिनट पंच करना चाहिए, उससे सॉफ्टनेस आती है आटे में और जो रोटियां हम लोग बनाते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनती हैं। तो मैंने सूखा आटा निकाल करके थाली को ढक करके साइड में रख देना है, क्योंकि अब मैं बाकी के काम करती रहूं। आटा तैयार है, सलाद तैयार हो गई है, रायता और करेले में भी नमक अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इस तरीके से निचोड़ रही हूँ करेले को और दूसरी प्लेट में निकाल रही हूँ। यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ, यदि बच्चे बिल्कुल भी करेला नहीं खाते हैं या आपको बिल्कुल स्मेल भी नहीं चाहिए, तो जैसे मैंने करेले निचोड़े हैं और ये पानी तो हम फेंक ही देंगे जो जूस निकला है, आप प्लेट में ये जो करेले हैं ड्राई, इन्हें आप एक बार रनिंग वाटर में वॉश कर सकते हैं, फिर आप निचोड़ लो दोबारा। पर मैं इतना नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े हैं और थोड़ा थोड़ा खाना सीख रहे हैं। तो अब मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया है। सरसों का तेल थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, जैसे नॉर्मल सब्जियां बनाते हैं, करेला बना रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। आधा चम्मच सौंफ डाली है हमने और आधा चम्मच जीरा। सौंफ और जीरे का तड़का लगाया है मैंने। ज़रा सी बिल्कुल पिंच हींग डालेंगे और अब थोड़ी सी हल्दी डालेंगे 1/4 चम्मच और ये करेले डाल देंगे। ये 250 ग्राम करेले हैं, एक भी बीज नहीं है। नमक डालने से पूरा कड़वापन निकल गया है, अगर आप इन्हें धुल लेंगे तो और भी निकल जाएगा पानी और कलर और जो भी इसकी स्मेल। ये देखिए एकदम पतले पतले लच्छेदार हैं करेले, मैंने भी दिखाया आपको। और इसे इस तरीके से हमें भूनना है। कढ़ाई थोड़ी, मतलब इस तरीके से लें कि ऐसे फैली हुई सी रहे और इस तरीके से खुला इसको पहले पकने दें, तो जो करेले की स्मेल होती है, जो एक जो हम लोगों को अच्छी लगती है कि हाँ भाई करेला खा रहे हैं, वही चीज़ बच्चों को बेकार लगती है, महक के ही कि करेला नहीं खाना है। तो मतलब धुलने के बाद क्या होगा, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप करेला खा रहे हैं, क्योंकि कटे हुए करेले आप पानी से एक दो बार भी धो लो तो आधा कड़वापन तो ऐवे निकल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, पर आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जब तक करेले भुन रहे हैं तो मैंने दाल खोल कर देखी है और ये देखो दाल मिक्स करके देखेंगे, दाल एकदम परफेक्ट तैयार है। इसीलिए ये देखो एकदम फिंदी हुई सी दाल होनी चाहिए, ये वाली दाल ऐसे खड़ी खड़ी अलग अलग होगी ना तो स्वाद नहीं लगेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इससे घुटी हुई सी है। टमाटर मैंने इसीलिए डाला है कि बॉईल हो जाता है तो टमाटर पूरी दाल में मिक्स हो जाता है। अब यहाँ सब्जी खोल कर देखा है, ये देखो एकदम लाल लाल से दिख रहे हैं ना करेले, ऐसे बनाने हैं एकदम फ्राई फ्राई से, वो ना मीडियम आंच में आप इस तरीके से कुछ मिनट भूने और ज़रा सा नमक डालें, क्योंकि पहले भी नमक डला हुआ था निचोड़ा हमने। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर भी डाली है और अब है ट्विस्ट, करेले में डालेंगे मैगी मसाले का 1 पाउच,
ये 250 ग्राम करेले हैं, इनमें एक पाउच मैगी मसाला और आधा चम्मच आमचूर पाउडर का यूज़ किया है मैंने। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो यहाँ पर आप एक लेमन का जूस निकाल लो और डाल दो। लास्ट में जब करेले पूरे फ्राई हो जाते हैं तभी मैगी मसाला भी डालना है, और हल्की सी लाल मिर्ची मैंने कलर के लिए डाली है, और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और गैस बंद कर देंगे। सिर्फ हल्दी डाली थी पहले, लाल मिर्ची जरा सी अभी डाली है, धनिया पाउडर का हमने यूज़ इसीलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हमने मसाले डाले हैं, मैगी मसाले हैं। और ये देखिए एकदम फ्राई फ्राई करेले तैयार हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है बिना प्याज के। और देखो आप, तेल बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल का मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, वरना बहुत से लोग करेले बनाने के तो करेले के नाम पर बहुत तेल नहीं डालना है। अब मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच इतना घी डाला है, यानी कि घी इतना रहे कि हम तड़का बना रहे हैं, तो 1 चम्मच हमने बारीक कटा हुआ लहसुन डाला है, वो अच्छे से फ्राई हो जाए, हल्का सा गुलाबी हुआ कि हमने आधा चम्मच जीरा डाला है। यहाँ पर थोड़ी सी हींग भी डालेंगे क्योंकि उड़द की दाल थोड़ी बादी करती है, इसीलिए लहसुन डालनी चाहिए, हींग डालनी चाहिए, जीरा डाला है। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो ना डालें। और आधा चम्मच करीब धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला। बस अब सब तड़का तैयार हो गया। हल्दी हम ऑलरेडी डाल चुके थे दाल पकाते वक्त, इसलिए हमने धनिया मिर्ची और गरम मसाले का यूज़ किया और हींग जीरे और लहसुन का तड़का डाला। बहुत ही मस्त लगता है ये तड़का, लेकिन अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो अवॉइड कर लें। आप हींग जीरा डालना और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। उड़द की ये मसाले वाली दाल इतनी टेस्टी लगती है कि अगर घर में कोई सब्जी नहीं है या फिर कोई ऐसी सब्जी बनी है जिसे बच्चों को परहेज है, नहीं खाना चाहते हैं, तो आप ये दाल भी बनाएंगे तो ये कोई भी मेंबर दाल रोटी खा करके भी खुश हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वैरायटी सब्जी रहे, मतलब इस दाल में ये बात होती है। तो मसाले वाली दाल है और साथ में करेले हैं, और अगर नहीं भी है कोई ऐसी सब्जी तब भी ये दाल बहुत टेस्टी लगती है। चावल चपाती सभी के साथ बहुत बढ़िया लगती है। तो अब मैं मसालदानी और हींग नमक ये सब हटा दे रही हूँ काउंटर टॉप से, क्योंकि अब सारा काम ख़त्म है इन सब का। हमारा रायता तैयार है, करेले तैयार हैं, दाल का तड़का लग चुका है, और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ, यानी मैं फुलके, रोटियाँ, चपातियाँ यही बनाने वाली हूँ। और आटा पहले से गूंथ के रखा है तो अच्छे से सेट हो जाता है, जाली रख लूँगी मैं पास में, दूध भी बॉयल हो चुका है, मतलब इसी तरीके से शाम के काम चलते रहते हैं चलते रहते हैं, और हर घर में वही हाल है, ऐसा नहीं कि मेरा कुछ अलग है। और बस ये है कि कोई कोई दिन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है काम, और बाकी तो रोज़ जैसे रहते हैं। और रोटियों के लिए पहले बॉल्स बनाती हूँ मैं, क्योंकि कुछ न्यू व्यूवर्स हैं इसलिए मैं कुछ चीज़ें रिपीट भी करती हूँ, जो कि जब आप बॉल्स बना लेते हैं रोटियों के लिए तो 2-3 फायदे होते हैं। एक तो सारी रोटियां आपकी सेम साइज़ की बनती हैं, तो जब आप फैमिली में सबको खाना परोसते हैं या एक एक रोटियां भी दे रहे होते हैं तो आपकी सारी रोटियों की साइज़ एक ही दिखती है। दूसरा होता है कि जब आपको रोटी बेलना है तो आपको उस वक्त फिर हाथ नहीं लगाना पड़ेगा पूरे आटे में, और गोल 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 बनाने भी नहीं पड़ेंगे। आप सीधे बॉल उठाओगे, उसे हल्का सा रोल करोगे चकले पर और फ्लैट करके रोटियां बनानी शुरू कर दोगे। तीसरा होता है कि रोटी फूले, इसके लिए टेम्परेचर आंच बहुत सही चाहिए, तो जो कि तवे पे बिल्कुल बराबर बनी रहे। तो जब आप एक रोटी तवे पे डालते हैं और धीमी कर लेते हैं आंच, तब तक आप दूसरी रोटी बेल लेते हैं, तो आपका वो टाइम सेविंग हो जाता है। आपको बॉल तैयार मिलती है तो आप फटाफट उठाते हैं, रोल करते हैं, फ्लैट करते हैं, बेलते हैं, और यहाँ पर तवे पर रोटी तब तक सिक चुकी होती है। तवे पे जैसे रोटी सिक जाती है तुरंत आप आँच में जब रखते हो रोटी को तो आँच तेज कर लो, जिससे आपकी रोटी उसी समय बिल्कुल फूल जाएगी। जो सूखा आटा है उसे मैंने डब्बे में निकाल लिया है, और अब बस यहाँ पर रोटी बनाने वाले बर्तन हटा दूंगी मैं। तवे तवा गरम है तो तवे पे मैंने रख दी है दाल कुछ मिनट के लिए, तब तक दाल और भी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, गर्म तो ऑलरेडी है, और बस वही हो जाता है, अलग से फिर खाना खाते समय गर्म नहीं करनी पड़ेगी। और कैसरोल उठाया है मैंने, धुला हुआ रखा था, रुमाल लगाया है, और मैं घी लगा रही हूँ। रोटियों में हम लोग घी लगा करके ही खाते हैं, हम लोगों को शुरू से ही आदत में है,
तो बस घी लगा करके रोटियां चुपड़ लेंगे। एक चम्मच जैसे मैंने अभी गाढ़ा घी डाला तो उस एक गाढ़े चम्मच घी में 4-6 रोटियों में लग जाता है घी, क्योंकि जैसे ही गर्म रोटियां होती हैं वो पिघलता है घी, तो बस हाथ से रगड़ करके पूरी रोटी में लग जाता है। और आप झटक झटक के ही हमेशा रखनी चाहिए रोटियों को, जिससे जो परथन है जो आपने आटा लगाया है वो पूरा निकल जाना चाहिए। खाना खाते वक्त रोटियों में परथन आता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इतना सब करते करते तो टाइम हो जाता है हमारे यहाँ डिनर टाइम। देखिए मैं करेला सर्व कर रही हूँ और करेले का टिफिन पूरा खाली हो जाएगा, तो आप नोटिस करेंगे इसमें जरा भी तेल नहीं है एक्स्ट्रा, यानी कि ये देखिए मतलब एक्स्ट्रा तेल नहीं है, जितना तेल की सब्जी पक जाए। बहुत तेल डालने की ज़रूरत नहीं होती है करेले में। और ये हमारी मसाले वाली उड़द की दाल, तो दाल भी सर्व कर रही हूँ मैं, बहुत मतलब इसी तरीके की, बहुत पतली पतली नहीं होनी चाहिए ये दाल, और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एकदम गाढ़ी गाढ़ी फिर पीने में अच्छी नहीं लगती है। जो लोग चम्मच से सिप करना पसंद करते हैं दाल को, तो इस तरीके से मीडियम थिक होनी चाहिए। ये वाली दाल राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है और चपाती के साथ भी। तो ये मैं कोशिंबीर रायता यानी मिक्स सैलड, आप इसे सैलड कम दही रायता कुछ भी बोल सकते हैं, कचुम्बर कोशिम्बिर, तो ये मैं सर्व कर रही हूँ। तो ये बाउल में निकाला है मैंने, क्योंकि दही है तो फैल जाएगी, इसलिए मैं थाली में नहीं डाल रही हूँ। और पहले मैंने करेला डाल दिया था उस ब्लॉक में, इस वजह से फिर मैंने अलग से बाउल करी। और रोटियों को फोल्ड करके रख रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने थोड़ा स्पेस बचाया है थाली का एक्चुअली, चूंकि मुझे मालूम था कि रात में मुझे ये दाल बनानी है और इस दाल के साथ चावल अच्छा लगता है, तो दोपहर का चावल मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया था जिससे कि बचा हुआ था। देर से तो लंच हुआ ही था, कपड़े वपड़े धुलने के बाद जब खाना बनाया तो मेथी मटर मलाई चपाती और राइस बनाया था मैंने, तो राइस थोड़ा एक्स्ट्रा बना के रखा था। इसे मैंने अभी अभी माइक्रोवेव में गर्म किया। मैं ये जो कांच के बर्तन हैं इनको ही माइक्रोवेव में 1 या 2 मिनट के लिए कुछ भी गर्म करना होता है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। अलग से मैंने माइक्रोवेव बर्तन नहीं खरीदे हैं, क्योंकि कांच के बर्तन चलते हैं तो ये हैवी कांच है, तो 1 या 2 मिनट इससे ज़्यादा का यूज़ नहीं करती हूँ माइक्रोवेव में मैं गर्म करने के लिए, तो वो खूब अच्छे से गर्म भी हो जाता है। तो चावल गर्म करके निकाला है मैंने ताकि हमारा खाना भी पूरा हो जाए, वरना हमें चावल चावल याद आता रहेगा। और चावल रात में मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, हस्बैंड भी जरा सा लेना चाहते हैं, और रात में रोटियां वगैरह नहीं, और मतलब बच्चे भी बहुत ज्यादा नहीं खाते हैं चावल रात के समय में, तो थोड़ा थोड़ा चाहिए कुछ चीजों में लगता है ना, तो इसलिए मैंने ऐसा किया था। ऐसा काम मैं करती रहती हूँ चावल वाला काम, दोपहर में थोड़े ज्यादा है खुश हो जाती हूँ, चलो अच्छा है रात में भी थोड़े तो खाने को मिल जाएंगे, वरना नहीं रहे ना पूरे पूरा तो फिर वो बनाया भी नहीं जाता है और फिर याद भी करते रहो। और खासकर इस दाल के साथ लास्ट में भी थोड़ा सा चावल खाया तो लगता है हाँ पूरा खाना हो गया, राजमा है, कढ़ी है, ये मसाले वाली दालें हैं, थोड़ा चावल तो खाना बनता है नहीं, फिर बस खाना तो वही जैसा हमेशा होता। हाँ करेले का सवाल, शुभम ने तो कहा था देखिए मम्मी करेला है आप चाहे मैगी मसाला डाल दो फिर भी मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा बेटा तो ये तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, अगर तुमने आज ये नहीं खाया तो आज के बाद से मैगी मसाला तो घर में आएगा नहीं, फिर तुम ना तो कभी मैकरोनी में डाल के खा पाओगे, ना गोभी में, ना भिंडी में, अगर तुमने आज करेले मैं नहीं खाए मैगी मसाले वाले तो फिर तुम्हें अब अगली बार भिंडी और गोभी में तो मैगी मसाला डालूंगी नहीं मैं। तो बेचारे ने खाया जैसे तैसे, पर थोड़े से बचा लिए हैं, लेकिन कोशिश तो करी ना खाने की, यही चीज मेन होती है। थोड़ा थोड़ा खाते खाते बच्चे सीखते हैं, और थोड़ा ट्विस्ट कर लें हम लोग तो बच्चों को भी खिलाने के लिए कुछ, उनको लंच हो या डिनर, दोनों ही टाइम हमारे यहाँ किचन क्लीनिंग मस्ट है, और किचन क्लीनिंग मैं करती हूँ और ये मेरी हैबिट में है, हमारा यही डेली रूटीन है। बस आज का अपना व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक यू।